की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने जो लास्ट टाइम ऑब्स्टिकल रेस का वीडियो बनाया था उस पे आपका जो प्यार था ना, वो देख के हमने सोचा है कि इस बार भी हम वैसा ही कुछ बनाते हैं। और इस बार हम इंडिविजुअल नहीं बल्कि खेलने वाले हैं टीम के साथ, और हमारे पास एक न्यू टीम जो कि है सोनल और रवि सर। देखते हमसे कितना बेहतर खेल पाते। इस बार गेम जो है वो और डिफिकल्ट होने वाले, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो जो सबसे पहला गेम है ये जो टिक टैक टो का गेम है, इसके अंदर जो जीतेगा उसको एक एडवांटेज है और जो हारेगा उसको एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो जीतने वाला है वो फटाक से निकलने वाला आगे और जो हारेगा उसको 10 सेकेंड का गैप मिलेगा। दूसरा गेम है नींबू चम्मच रेस, तीसरा गेम है कैच द बॉल, चौथा गेम है स्टॉप द कॉइन, पांचवा गेम है पेपर टॉस रेस और सबसे आखिरी छठा गेम है बैलेंस द नेल। तो गाइस शुरू करते हैं गेम को। 3, 2, 1 गो। और ये हो गया गेम स्टार्ट। इस रेस में 10 सेकंड की लीड भी ना भारी पड़ सकती है दूसरे के ऊपर। ये हो गया, यस। और अपन ना ये जल्दबाजी में दूसरी जगह पे रहते, हमारा हो जाता था वहां पे। नींबू चम्मच का जो ये जो गेम है ना, ये जब तक मजाक के लिए खेलते ना तब तक ठीक है, लेकिन ऐसे रेस में ना गलतियां हो ही जाती है। लेकिन रवि जब गेम खेलता है ना, वो टाइम पे उसका दिमाग बहुत फोकस रहता है और उसी का मुझे डर है कि वो कितना आगे जाए और कब आगे जाए। सोनल सोनल ऊपर देख रही है, सोनल आगे देख के गेम ही नहीं खेल रही है, वो आसमान में देख के गेम खेल रही है। और ये हमारा तीसरा भी गेम चालू हो चुका है। इस गेम में 5 बॉल डालने हैं और पांचों बॉल जो जल्दी डालेगा ना वो अगले गेम पे चला जाएगा, लेकिन अगला गेम भी थोड़ा सा टफ है। और रवि ने भी नींबू चम्मच का गेम लगभग कंप्लीट कर दिया है, मतलब कंप्लीट हो गया, सोनल ने डाल दिया है। और जैसे ही हमने तीसरा गेम कंप्लीट कर लिया वैसे ही रवि तीसरे गेम पे आ गया। जहाँ पे रवि थर्ड गेम खेल रहा है वहीं पे हम फोर्थ गेम के ऊपर है। और यहाँ पे मैं क्वाइन तो ठीक से छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपर्णा के ऊपर है कि अपर्णा क्वाइन कैसे खड़ा करती है। हम आगे पहुँच गए और हम पहुँच गए सबसे डिफिकल्ट गेम पे। रवि का कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखते हैं तो रवि ये जो पॉइंट खड़ा करने का गेम है ना वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोनल सोनल ने भी उसे साथ देना चाहिए। वैसे पेपर टॉस का जो गेम है ना वो तालमेल के साथ खेला जाए तो वो आसान हो सकता है, मतलब सबसे लास्ट वाला टॉस कौन करेगा और गोल वो बास्केट में पेपर डालेगा। रवि सर ये गेम बहुत अच्छे से खेल लेते तो हमें बहुत डर लग रहा है कि रवि सर ये गेम में हमसे आगे ना चले जाए। इतने गेम हम जीतते आए हैं, सब इतना हो जाएगा भाई वो आगे चले गए, मतलब हमारी जो लीड है अब तक की वो यहाँ पे टूट सकती है। रवि का गेम जिस तरह से वो रवि खेल रहा है ना वो क्रिकेट में भी अच्छा है और यहाँ पे भी। और जैसे मैंने सोचा था रवि ने गेम कंप्लीट कर लिया और रवि लीड में चला गया। हम अभी तक पेपर टॉस खेल रहे हैं और वो लास्ट गेम पे भी पहुंच गए, लेकिन पेपर टॉस से भी मुझे लगता है कि ये गेम हार्ड हो सकता है अपना। रवि की पहली की ग्लास के अंदर चली गई है और उसी के साथ हमारा भी लास्ट गेम कम्प्लीट हो गया। हम भी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी तक के जो गेम्स हमने खेले वो बहुत हड़बड़ी वाले थे, लेकिन अभी जो ये गेम हम खेलने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करके खेलने की जरूरत है और वो फोकस रवि के टीम में दिखाई दे रहा है। और हम भी कुछ कम नहीं है भाई, क्योंकि हम भी ये गेम कर सकते हैं कम्प्लीट। रवि के एक गलती के साथ हम लीड में आ चुके हैं और हमारा सिर्फ लास्ट का बचा है। और ये भी हमने सोचा कि इनका है वो अच्छे के लिए, इसलिए हम भी अच्छा खेले। वेल प्लेड तो गाइस आपने तो देख लिया कौन जीता है, फिर भी बहुत टक्कर का गेम हुआ, बहुत ही ज्यादा टक्कर का गेम हुआ, लेकिन हम लोग जीत गए और हमारा जो इनाम है वो हम अपना अपना ले लेंगे। तो गाइस हारने वाली टीम के लिए आपकी दुआएं चाहिए, इनके लिए कमेंट्स कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप डूइंग मैड 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 जुगाड़।